السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى جميع من تبعهم باحسان الى يوم الدين ما بعد ان بريده بن حسين بن الاسلمي رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم

तो ईद की नमाज़ जो हम अदा करेंगे इन उसमें भी हमें मालूम होना चाहिए कि महम्मद रसोल्ला वसल्लम का तरीक़ा क्या था सुनन तिरमिज़ी की पाँच सौ बयालीस नंबर की रवायत रा है रावी हदीस बुरैदा रज़ील तहु हैं वो बयान करते हैं कि महम्मद रसोल सल्लम ईदालफ़ित्र के दिन नहीं निकलते थे यहाँ तक कि कुछ खा लेते थे और बाज़ रवायात में है कि चंद खजूरें खाते थे उसके बाद ईद फितर की नमाज़ अदा करने के लिए निकलते थे और ईद अज़हा का दिन जब आता वला हत्ता युसल्लिया। और ईद के में अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत थी कि ईद अज़हा की नमाज़ अदा करने से पहले अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम कुछ भी खाते पीते नहीं थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबील वाजी के दिन नहीं खाते थे यहाँ तक कि नमाज़ ईद अजहा अदा कर लेते ईद अजहा की नमाज़ अदा करने के बाद अल्लाह के नबी वसल्लम खाते थे और बाज़ रवायात में ख़ास तौर से मुसल अहमद की रवायत से मालूम होता है कि ईद अजहा के दिन अल्लाह के नबी वम सबसे पहले कुरबानी का गोश्त खाते थे कुरबानी का जानवर ज़बा करके उसका ताज़ा गोश्त खाते थे ये जो सुन्नत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि ईद अजहा के दिन आदमी कुछ खाए पिए बग़ैर नमाज़ पढ़ने के लिए चला जाए ये ईद की सुन्नत है ये रोज़ा नहीं है बहुत सारे लोग समझते हैं आधे दिन का रोज़ा हो गया उसको रोज़ा नहीं कहेंगे क्योंकि अब वो सैद खुदी रजील् तुम की एक दूसरी रवायत है सुनतमी के अंदर सात सौ बहत्तर नंबर पर जिसमें वो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्ला ने दो दिनों में रोज़ा रखने से मना किया दो दिन रोज़ा रखने से मना किया यौम यौम अजहा व फितर ईद अजहा के दिन रोज़ा हराम है और ईद ईदित्र के दिन रोज़ा हराम है तो उसको रोज़ा नहीं कहेंगे उसको यह कहेंगे ये मोहम्मद रसोलम की सुन्नत है कि ईद अजहा के दिन अल्लाह के नबी नबीम कुछ खाए बगैर जाते थे ईद अजहा की नमाज़ अदा करते उसके बाद कुरबानी का जानवर ज़बा किया जाता फिर उस कुरबानी के जानवर से खाया करते शारीन हदीस ने इन दोनों सुन्नतों की कुछ हमतें बयान की हैं ईद अजहा दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ खाए पिए बगैर जाते थे और ईद ईदालफित्र के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद खजूरें खाते थे उसके बाद जाते थे तो ईद ईदालफित्र के बारे में शारीन हदीस ने यह लिखा है इसकी हिमत यह है पहली हमत यह है कि चूंकि चूँकि ईदालफित्र के दिन से पहले का पूरा महीना रोज़ा का महीना था आदमी मुसलसल रोज़ा रखते हुए आ रहा था और ईद ईदालफर ये इफ्तार का दिन है यानी उस दिन रोज़ा ख़त्म हो जाता है इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर के दिन नमाज ईद उल फितर से पहले ही कुछ खा पी लेते थे या चंद ने खा लेते थे ताकि किसी को शुभा ना हो कि आज भी रोजे से तो चूंकि रोजा का महीना इससे पहले गुजर चुका इसलिए ईद उल फितर के दिन अल्लाह के नबी वसल्लम कुछ खा पी करके जाया करते थे और दूसरी एक ने यह बयान की है कि ईद उल फितर के दिन से पहले चूंकि पूरा एक महीना आदमी मुसल दिन के वक्त भूखा रहता था भूख और प्यास को रोजे की हालत में बर्दाश्त करता था और फितर के दिन अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम इसलिए चंद खजूरें खाते थे कि खाली पेट आदमी जब मीठी चीज़ या खास से खजूर वगैरह खाएगा तो उसके मैदे को और नज़र को क़वत मिलती है मैदे को ताकत मिलती है और उसकी नज़र को ताकत मिलती है। के मतलब नाक हाकर जाने में जो हमत है उसको ने बयान करते हुए लिखा है पहली हमत ये है कि ईद के दिन चूँकि नमाज ईद के बाद फ़ौर क़ुरबानी करनी होती है और इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर कुछ खाए पिए जाते थे ताकि नमाज़ में तखीर ना हो और नमाज में तख़ीर हो जाएगी तो फिर कुर्बानी में भी, भी ताखीर हो जाएगी और दूसरी हमत ने यह बयान की है कि कुर्बानी का गोश्त चूंकि बहुत बरकत वाली चीज़ होती है कुर्बानी का गोश्त बहुत बरकत वाली चीज़ होती है इसलिए मुनासिब होता है यह मालूम होता है कि बरकत वाली चीज़ पेट में सबसे पहले जानी चाहिए कुर्बानी का गोश्त एक बरकत वाली चीज़ उसमें अल्लाह ने बरकत रखी है इसलिए ने नेकमत बयान की दूसरी की कि कुर्बानी का गोश्त पहले खाना चाहिए यानी कुछ खाए पिए बगैर आदमी जाए और ईद उल की नमाज़ अदा करे उसके बाद आकर के जानवर ज़बा करे उसके बाद गोश्त खाए महमदर रसोल्ला वसलम की सुन्नत थी अल्लाह रब्लम से दुआ है कि हमें महम्मद रसोल वसलम की तमाम सुन्नतों पर अमल करने की तोफ़ी फरमा और ईमान के साथ महत नसीफ़ी फरामबीकर ऐसे ही फायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताबो सुन्नत की तलीमत को आम करने में हमारा ताउन करे ताकि आपके लिए जरिया नजात जन्नत के हसूल का सबब साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने आमीन जज़ाक खैरन